मरकज़ मस्जिद के सामने लेंडकी गली में जो नाली का काम किया गया है, नाली बनाने के लिए 2 साल लग चुके हैं। नाली बनने के बाद फिर ये सिलाब जो बेभरोसा बन गया है, जो सिलाब टूट गया है, जो 6 महीने के ऊपर हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर साहब को बोल रहे हैं बनाने के लिए, कोई भी नहीं बना रहे। कमिश्नर साहब को बोले, जेई साहब को बोले, सबको बोले, लेकिन इससे बनाने की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहे। यहाँ पे एक्स कारपोरेटर साहब को भी कुछ पब्लिक यहाँ पे बोल चुकी कि भाई यहाँ पे बहुत तकलीफ है आने जाने के लिए, ज़रा इसको काम करो बोले तो हमारा जो फंड था काम का सब ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप कारपोरेशन से करा लो या नहीं तो खुद चंदा करके कर लो बोलकर ऐसा बता दिए। तो इस मसले का हल करने वाले कौन हैं? लिहाजा हम कारपोरेशन कमिश्नर साहब से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दीजिए। मरकज मस्जिद के सामने बिल्कुल एक बड़ी सी नाली जो अंडर ड्रेनेज वाटर लाइन बनाई गई थी, छोटे छोटे साइड में नाली साफ करने के लिए बड़े बड़े ये छोड़े थे स्पेस जो कचरा निकालने के लिए, मगर वहाँ पे कचरा निकालने के लिए पूरा वैसा ही ओपन रखे हुआ है, अभी तक उसको पूरा फुलफिल नहीं किया गया क्योंकि ये नाली 15 से 18 फीट डीप है नीचे। अगर इसके अंदर कोई बच्चा अगर गिर जाता तो बच्चा मिलना मुश्किल है, बच्चे को ढूंढने के लिए एक NDRF की टीम को बुलाना पड़ेगा, जब बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू करके निकालना पड़ेगा, जब तक बच्चा मिल ही नहीं सकता क्योंकि मालूम भी नहीं पड़ता बच्चा गिरा या नहीं गिरा। और यहाँ पे लाइट जाने के बाद तो रोड पे स्ट्रीट लाइट भी ज़्यादा कम है, मगर रोड पे कुछ भी ऐसा दिखता भी नहीं। अंधेरे के टाइम पर बरसात आया तो पानी पूरा ऊपर ही जा रहा, छोटे छोटे जो लाइना जब मिलाए हुए हैं वो भी पूरा सही से मिला ही नहीं अंदर, क्योंकि पूरा पानी ऊपर रोड पर वापस आ रहा। ये 4 करोड़ की ऊपर की बजट की नाली है मगर पूरी फेल कर दी है नाली को, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी नहीं है। मैं कमिश्नर साहब को इंडिविजुअली जाके मजलिस खिदमत के मिल्लत की तरफ से जाके एक मेमोरेंडम दिया, वहाँ पे बैठ के कमिश्नर साहब से बात किया कि कमिश्नर साहब 3 तारीख को दूँ मैं वहाँ पे, 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में उन्होंने जेई से बात करे, जेई बोला हाँ सर मैं करता हूँ बोल को बोला। फिर 7 तारीख के बाद आज 17 तारीख आई, आज भी कमिश्नर साहब से बात हुई कि कल मैं उनको बोल के इमीडिएटली वर्क करवाऊँगा। और यहाँ पे एक्स कॉर्पोरेटर साहब भी कुछ काम नहीं कर रहे, अगर हम उनके पास गएंगे तो उन्हें बोल रहे हैं हाँ भाई अपने एरिया वाले जो जिम्मेदार हैं जो बने उन्होंने करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका बोलने का ये है कि मैं कमिश्नर साहब से एक मरतबा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली इसका काम करें, नहीं तो हम लोग रोड पर स्ट्राइक करेंगे इंशाल्लाह ताला जल्द।